अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इन कपड़ों को तो मैं फिर से खराब करके ही रहूंगी। काटू जी, इस बार मेरी मेहनत सफल करना, क्योंकि इस बार बात सिर्फ मेरे मेहनत की नहीं है बल्कि समर भैया और नाहर जी की इज्जत की भी है जो इन सैंपल से जुड़ी है। छोड़ना चाहती थी वो मेरे ऊपर ही चढ़ गया। शुक्र है भाग्य। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, अगर मैंने ये डंडा छोड़ दिया तो सबको पता चल जाएगा ये सब कोई और कर रहा था। रोहित पर कोई शक नहीं करेगा, क्या करूं? आशिकी बच्ची, बस मामू मैं थक गई और नहीं खेलना। शैतान, ये आप दोनों इतनी जल्दी उठ गए? हाँ, वो आशिक की नींद खुली तो मेरी भी आंखें खुल गई थी, तो बस। मामी मैं बहुत थक गई हूँ, आप मेरे लिए कुछ यम्मी सा बना दोगे? बिल्कुल मेरी चाय, ये लो, ये मेरा फेवरेट है। ये तो बहुत अच्छा है और यम्मी भी है। तो एक और गेम हो जाए आशी। ये ऐसे कहा कि तो मैं फुल रिचार्ज हो गई। चलो मामू एक और गेम खेलते हैं। लेट्स गो। ये आशी भी ना। अच्छा रूही, साड़ियाँ तैयार है ना? जी नाहर जी, बस थोड़ा सूखना बाकी है। वो हीटर लेके ही जा रही थी, गार्डन में आप दोनों दिख गए तो। अच्छा, बस कुछ ही देर में क्लाइंट्स आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट रूही। थैंक यू नाहर जी। थैंक यू मिस्टर जौहरी, अपना कीमती वक्त देने के लिए। इट्स ओके मिस्टर नाहर, एक्चुअली थोड़ी देर में बस हमारी फ्लाइट है तो एयरपोर्ट के लिए निकलना है। अगर आप जल्दी से अपने सैंपल्स दिखा देते तो वी कैन फाइनलाइज द डील। जी जी, सैंपल्स बिल्कुल तैयार है, मैं अभी लाता हूँ। रूही, 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 we'll be right back.
सुपर समर सैंपल्स दिखा दो। डिजाइन्स तो वाकई में बहुत सुंदर है, एक से बढ़ के एक है। पेंटिंग कैसे आया? शायद इससे आया होगा। मैं तो डरी गई थी। ये सारे डिजाइन तो बहुत ही अद्भुत है, एक से बढ़ के एक है, एकदम ही अलग। मैं बहुत खुश हुआ ये सारे डिजाइन देखकर आपके। मिस अनार, मिस्टर समर, ये डील आप पक्की समझिए अब। चलिए अब हम निकलते, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मेरी टीम आपका कॉन्ट्रैक्ट ईमेल कर देगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। शाबाश रवि बेटा, तुमने घर दिखाया। हाँ भाभी, आज तो आपने कमाल ही करके दिखा दिया। समर भैया, अब तो आपने मुझे माफ कर दिया ना? मैं कौन होता हूँ भाभी आपको माफ करने वाला, मैं तो आपसे रिश्ते में छोटा हूँ ना। थैंक यू सो मच। तुम्हारी मेहनत और कोशिश की वजह से हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वरना मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बहुत परेशान था। चलो अच्छा है रोहित, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो हुआ और तुमने इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, बढ़िया है। अरे बिगाड़ने के बाद अगर काम सही कर दिया तो इसमें कौन सा बड़ा एहसान कर दिया इसने? हाँ, ये तो इसका फर्ज भी था और जिम्मेदारी भी। दादी,
रूही ने ये काम नहीं बिगाड़ा था। नहार, तुम इस बात को इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? छोटी माँ, काम को बिगाड़ने के इरादे से जो काम करता है वो रात भर जग कर इतना मेहनत करके उसे वापस ठीक नहीं करता है। मुझे लगता है इसमें किसी और का हाथ है और उसका पता मैं लगा कर रहूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो नहार? अपनी बीवी को बचाने के लिए परिवार पर इल्जाम लगा रहे हो? हाँ ना, उस कमरे में कमला के बाद सिर्फ और सिर्फ रूही ही गई थी, उसके बाद ही वो साड़ियाँ खराब हुई थी। और अब तुम्हें किसी और पे शक क्यों हो रहा? रूही ने अपनी गलती मान ली है और उसे सुधार भी लिए, तो इस बात को यही खत्म करते ना नहार। रूही, क्या तुमने वो कपड़े खराब किए थे? और अगर किए थे तो ये सैंपल्स क्यों नहीं खराब किए? तुम्हारी चुप्पी बता रही है रूही कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया है उसका पता मैं लगा कर रहा हूं। पर भैया, यहाँ पे तो सब घर के ही लोग हैं ना, आखिर इतना घटिया काम कौन करेगा? प्लीज इस बात को ना यहीं जाने देते, वरना खामखा घर में फिर से कलेश ना हो जाए। अवनी, सच कड़वा होता है लेकिन सच का सामने आना बहुत जरूरी है, और मैं सच को सामने ला कर रहूंगा। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।